बिहार के आरा में साइकिल सवार प्राइवेट शिक्षक को डंपर ने रौंद दिया, इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान मौत हो गई। घटना चांदी थाना क्षेत्र के लूदीपुर गांव के समीप की बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि चांदी थाना क्षेत्र के नरही चांदी के रहने वाले नागेंद्र प्रताप सिंह उर्फ ठुनमुन सिंह पेशे से प्राइवेट शिक्षक थे और अपने घर से निकलकर लोदीपुर गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जा रहे थे। तभी लोदीपुर गांव के समीप ही मुख्य सड़क पर अनियंत्रित डंपर ने साइकिल सवार शिक्षक को रौंद दिया, जिससे शिक्षक काफी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोग और चांदी थाना पुलिस की मदद से जख्मी हालत में शिक्षक को आरा सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टर ने शिक्षक को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस के द्वारा परिजनों को सूचना दी गई। आरा सदर अस्पताल में परिजन पहुंचे तो बताया कि हर दिन की तरह आज भी ये साइकिल से ही लोदीपुर स्थित प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने गए थे। हम लोग को सूचना पुलिस के द्वारा दिया गया कि इनका एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद हम लोग यहाँ पहुंचे तो देखे कि इनकी मौत हो गई है। आरा सदर अस्पताल में चांदी थाना पुलिस के द्वारा शिक्षक के शव को पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं इस घटना को अंजाम देने वाले डंपर को भी स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया। मृतक के भतीजा यशवंत सिंह ने बताया कि शनिवार की सुबह साइकिल से स्कूल लोदीपुर पढ़ाने जा रहे थे, तभी रास्ते में गैस की गाड़ी ने पीछे से ठोकर मार दिया, जिसके कारण इनकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा फोन पर घटना की सूचना मिली कि सड़क दुर्घटना में नरेंद्र सिंह घायल हो गए हैं, सदर अस्पताल भेज दिया गया है। सूचना मिलने के बाद हम लोग सदर अस्पताल पहुंचकर देखा कि इनकी मौत हो गई है, शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं चांदी थाना अध्यक्ष सौरभ कुमार ने बताया कि शनिवार की सुबह चांदी सहार मुख्य मार्ग पर रूपचकिया गांव के पास अनियंत्रित गैस टैंकर ने पीछे से साइकिल सवार को ठोकर मार दिया, जिससे साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक निजी स्कूल में शिक्षक थे, सुबह साइकिल से स्कूल जा रहे थे। गाड़ी का चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस गाड़ी को जब्त कर थाना पर लाई है। चालक और गाड़ी मालिक का पता लगाया जा रहा है। मृतक के परिजनों की तरफ से अभी आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने के बाद FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुबह में स्कूल जा रहे थे, रास्ते में कोई डंपर वाला पीछे से धक्का मार दिया और इनकी वहीं मौत हो गई। प्राइवेट टीचर थे या सरकारी? प्राइवेट टीचर थे। कहाँ पढ़ाने? लोदीपुर कोई प्राइवेट स्कूल था। गैस वाला जो गाड़ी होता है, जिससे दुर्घटना हुआ है, वो गाड़ी पकड़ा है? हाँ, पकड़ा गया है। थाना के द्वारा पता चला कि गाड़ी पकड़ा गया, हम देखे नहीं अभी गाड़ी। और आपने वो कैसे सूचना मिला? सूचना फोन से पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग वहाँ से चले तो पता चला कि थाना वहाँ से उनको उठा करके ले गई हॉस्पिटल के लिए, तो यहाँ डॉक्टर मृत घोषित कर दिए थे और पोस्टमार्टम का इंतजार अब हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह। क्या लगते हैं आपको? ये हमारे रिश्ते में चाचा लगे हैं। ये जा रहे थे रूपचकिया की तरफ, इधर से टैंकर भी आ रहा था, तो टैंकर द्वारा इनको एक्सीडेंट किया गया। किस चीज़ से थे? ये साइकिल से थे, छाता ओढ़े हुए थे। कौन से जगह पे घटना हुआ है? ये रूपचकिया के पास। कहाँ के हैं ये, कुछ पता है? ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग कहते थे कि नरही का है। नरही के सरकारी शिक्षक है क्या? वो लोग तो कह रहे हैं कि मास्टर है, लेकिन हम लोग तो जानते नहीं है अभी कि मास्टर है कि क्या है। अभी कंफर्म कुछ है नहीं कि रूपचकिया के हैं या नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट किए हम लोग का पता चला, तुरंत हॉस्पिटल लेके आए। परिवार वालों को सूचना दी गई? परिवार वालों के अभी कोई नंबर भी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो पता थाना को कह दिया गया है, पता करके बताएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार। कौन सा थाना से? ये हम चांदी थाना।